फायजा, जरा के सर तो दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया, जल्दी क्यों आ गया? ये मैंने कहा क्या नौकरी नहीं मिली जो जल्दी आ गए? तुम्हें पता है ना बेटा, तुम्हारी नौकरी की इस घर को कितनी जरूरत है। अभी मैंने एक दो जगह अप्लाई किया, इंशाल्लाह नौकरी मिल जाएगी। बस बेटा एक दो जगह, कोई 8-10 जगहों पे बात करो, कम से कम मुझे भी कोई खुशखबरी सुनने को मिल जाए। अम्मी गुजारा तो चल ही रहा है ना, ट्यूशन्स पढ़ा लेता हूँ और इंशाल्लाह पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाएगी। और ये ट्यूशन पढ़ाने से सारी जिंदगी गुजारा नहीं चलेगा, कोई और नौकरी भी ढूंढो बेटा। अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बू को, बस एक ये पुराना सा मकान छोड़कर चले गए। अरे बैंक में कोई 20-25 लाख छोड़ जाते, कम अज कम फायजा की शादी की फिक्र तो ना होती मुझे, और हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजर जाती। आप ऐसा क्यों कह रही है? जैसे ही मेरी तालीम मुकम्मल होगी, एक अच्छी सी जॉब करूंगा, बहुत से पैसे कमाकर आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। फिक्र करनी पड़ती है बेटा, घर के हालात तो देखो क्या है हमारे पास। क्यों टेंशन लेती, देखना एक दिन मेरा भाई बहुत तरक्की करेगा। इंशाल्लाह, काश वो दिन मैं भी जल्दी से देख सकूं। मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही स्टडीज कंप्लीट होंगी तो इंशाल्लाह अच्छी जॉब मिल जाएगी। इंशाल्लाह। अरे ठीक से दबाना बेटा, क्या कर रही है? आपके लिए दवाई लिखी? हाँ जा, वो सरदर्द की गोली है ना, वो भी दे दे और एक कप चाय बना दे। अरे क्या तूने सर दबाया मेरा। हेलो। हेलो अमल, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्यों फोन किया? वो कल तुम यूनिवर्सिटी में परेशान लग रही थी। ओम सब ठीक है, तुम फिक्र ना करो। आई एम सॉरी अमल, मुझे बेला ने बताया था कि अंकल को पुलिस ने अरेस्ट किया है, वो कोई करप्शन। मेरे पापा ने कोई करप्शन नहीं की, उन्हें फंसाया गया है। आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं जानता हूँ अंकल बहुत अच्छे इंसान है और यकीनन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्दी वो वापस आ जाएंगे, और वैसे भी अल्लाह ताला हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है। और अमल प्लीज, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो प्लीज बताओ मुझे, मैं आई एम देयर फॉर यू। अमल, अमल तुम सुन रही हो? हाँ थैंक्स। ठीक है अमल, तुम अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। सुनो, तुम मनाहिर और बेला से कहना कि किसी और को मत बताएं प्लीज। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो, मैं सबको कह दूंगा, कोई भी अब अंकल के बारे में बात नहीं करेगा। थैंक यू, हाफिज। बाय। कुछ पता चला कि अशफाक भाई को पुलिस वाले क्यों गिरफ्तार करके लेके गए? मुझे तो लगता है 2 नंबर ही और वो खपलों का नतीजा है। अनवार भाई का जाने वाला है कि वकील, उससे बात हुई है, इंशाल्लाह कल सुबह तक बेल हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता जमानत होगी। अरे हो जाएगी बेल, पर अशफाक भाई ने कुछ नहीं किया, बेकसूर है वो, सब बड़ी मछलियों की साजिश है, देखना इंशाल्लाह जरूर बेनकाब होगी। ये भी आपने खूब कही, बेकसूर है। अरे इतना आलीशान घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस ऐसे ही तो नहीं आया सोनिया के पास, अशफाक भाई की हराम की कमाई से जमा किया है। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? दिन भर में ये तो नहीं हुआ तुमसे कि जाकर उनका हाल पूछ लेती, सोनू को तसल्ली दे देती, पल भर के लिए उनका दुख बांट लेती। अच्छा तो अब आप चाहते हैं कि इस हालत में मैं उस टेंशन ज्यादा माहौल में जाके बैठूं? सारा दिन उल्टियां होती रहती है मुझे, और वैसे भी जो आपकी बहन के साथ हो रहा है ना, उसके बुरे कामों का नतीजा, वही इतराती फिरती थी हराम की कमाई पे। ऐसा क्या कर दिया है मेरी बहन ने? हाँ, और ये कौन से बुरे कामों के नतीजे की बात कर रही हो तुम? हाँ भूल गई, ये जो इतने आलीशान घर में रह रही हो ना तुम, ये सब मेरी बहन ने अपने विरासती हिस्से में से दिया था।
और वो जो अशफाक भाई ने इतने सारे पैसे ऊपर वाली मंजिल बनाने के लिए दिए थे, वो भी भूल गई? हराम की कमाई से दिए, खून पसीने से जमा करके हलाल की कमाई नहीं दी थी, कोई एहसान नहीं किया अगर दे दिए तो। अच्छा छोड़ो ना यार, दिमाग खराब कर दिया है। मुझे कल सुबह सोनू के साथ बेल के लिए जाना है। तुम और नोमी सुबह अमल और राफे के पास चले जाना, थोड़ा हौसला मिलेगा उन्हें, तसल्ली मिलेगी। वाह, यानी इस हालत में अब जाके मैं उनकी चौकीदारी करूं? मुझसे नहीं होगा, वैसे भी मेरे बच्चे के टेस्ट हो रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि इसका साल बर्बाद हो। नमक हरामी की भी ना कोई हद होती है वैसे। जो भी समझे आप, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा तुम खा के जल्दी सो जाना, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा अपनी क्लास में अव्वल आए। वैसे भी पापा मुझे तो राफी बिल्कुल पसंद ही नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, वो बहुत रूड है। इसे अंदर ले जाओ तुम, वरना आज रात ही इसके सारे टेस्ट पास करा दूंगा मैं। ओ भाई खामखास पे क्यों भड़क रहे हैं आप? जिसका गुस्सा है ना उसी पे जाके निकाले। खा बेटा जल्दी सो जाना, पेपर है। मैं खुद ही चला जाता हूँ। आप खुद बोलेंगे या हम किसी और तरह से बुलवाएं? मैं आपको कितनी बार कह चुका, आप जितनी बार मुझसे पूछेंगे मेरा जवाब यही होगा, मेरा इन मामलात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। 80 करोड़ की करप्शन की है आपने, सारे सबूत मौजूद हैं हमारे पास। जितने भी सबूत है सब झूठे, सब झूठे। जब फंसाया जा रहा है, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ मेरा इन मामला के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा 80 करोड़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज बिलीव मी। आपके तीनों साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर मेरे साथी कहाँ से आ गए? उन तीनों आदमियों ने ये कन्फेस किया है कि वो आपके लिए काम करते थे। झूठा कन्फेस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाना चाहते हैं, मुझे तोड़ना चाहते हैं। साजिश है ये मेरे खिलाफ, यकीन कर लीजिए मेरी इस बात की, मैं बेगुनाह, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज आप दोनों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी वाइफ से मेरी बात करा दीजिए। आप जिस तरह सबके काम आते हैं ना, मुश्किल वक्त में कोई हमारे काम नहीं आएगा। अरे नहीं बेटा, इंशाल्लाह हम पे कभी कोई मुश्किल वक्त आएगा ही नहीं। मिस्टर इशफाक, यू आर अंडर अरेस्ट। आपके नाम का अरेस्ट वारंट है हमारे पास। पापा को मार देंगे मामा, वो लोग पापा को बचाए, वो मार देंगे पापा को, पापा को मार देंगे वो। क्यों मारेंगे? क्यों पापा को कुछ नहीं होगा, पापा राफी कुछ नहीं होगा बेटा, मामा पापा को बचा ले प्लीज मामा। जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आप लोगों की? मैं सर
आप हमें एक बार अशफाक भाई से बात कर लेने दीजिए बस। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्हें फंसाया गया है। देखें डीएसपी साहब, मतलब कोई तो तरीका होगा, आखिर पता तो चले कि ये सारा मामला क्या है। देखिए, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, आप लोगों की उनसे मुलाकात पॉसिबल नहीं है। ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे नहीं मिलने देंगे? देखिए, ये बातें आपको आपका वकील बेहतर तौर पर बता देगा। मैं देखता हूं, करता हूं वकील से बात, देखते हैं क्या कहता है। आंटी अब आप कैसी हैं? मेरा बहुत दिल चाह रहा था आपसे मिलने का, फिर रेहान ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बेटा, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हुआ। मैं बगैर बताए आके आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा? कैसी बातें कर रही हो मनाहिर, तुम हम लोगों से मिलने कभी भी आ सकती हो। अरे बेटा 100 बार आओ, तुम्हारा अपना घर है। थैंक्स आंटी। आप ही रेहान का है? रेहान जरा बाहर गया है, वो जहाँ ट्यूशन ही पढ़ाता था। हाँ, सारे पुराने ड्यूज क्लियर करवाने गया है। क्या बताऊं बेटा, 2-3 घर थे जहाँ रेहान ट्यूशन पढ़ाता था, बस एक साथ ही छूट गए। समझ में नहीं आया क्या मामला है। और एक घर तो वो था ना, क्या नाम है तुम्हारी जो सहेली है? आंटी आप कहीं अमल की बात तो नहीं करी? आई थिंक वो राफे को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। अरे हाँ हाँ, वही रेहान बता रहा था कि उसके बाप को पुलिस ने पकड़ रखा, बैठे बिठाए बेचारे मुसीबत में फंस गए। आंटी ये सारी मुसीबतें तो उनकी खुद की पैदा करता है। आपको पता है अमल के पापा पे करोड़ों रुपए चोरी करने का इल्जाम है। क्या, ये क्या कह रही हो बेटा? ये हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, ये तो बहुत बड़ी रकम होती है। जी आंटी, वैसे आंटी मुझे अमल का लाइफस्टाइल देखकर लगता तो था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी दाल काली निकली। तौबा तौबा, कैसे लोग हैं, अपनी दुनिया सवारने के चक्कर में अपनी आखिरत खराब कर लेते हैं, और यहाँ तो दुनिया और आखिरत दोनों ही खराब हो गई। बाप के किए की सजा अब मासूम बच्चे भुगतेंगे। मासूम? नहीं नहीं आंटी, शफाक अंकल तो है ही चोर, लेकिन अमल की अम्मी भी कुछ कम नहीं है, बहुत तेज हैं वो भी। सब कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल और स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अंकल से इतना बड़ा कफन करवाया है। मिनाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए शफाक अंकल के बारे में ये बातें करते हुए। अब रेहान, मैंने ऐसी क्या गलत बात कह दी? ये बात तो सबको पता है। तुमने खबर नहीं देखी, न्यूज चैनल नहीं देखा, हेडलाइन चल रही है। सारी दुनिया जो भी कहे, लेकिन हम उसके दोस्त हैं, हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसके घर में ऐसा कोई भी नहीं, और अशफाक अंकल पे लगे इल्जाम झूठे हैं। रेहान, तुम मिनाहिल को क्यों डांट रहे हो? अरे चोर को चोर ही कहेंगे ना, कहीं तो कुछ गलत किया होगा जो पकड़ हो गई। भी आप ठीक कह रही हैं, वही तो बात है। अफसोस होता है मुझे, अफसोस होता है तुम्हारी सोच पर। अमल ने हमेशा तुम्हारा इतना ख्याल रखा, और आज तुम उसके साथ क्या कर रही हो? अगर आज अमल की जगह मैं, बेला या शाजिम होते तो बताओ क्या करती? यही करती जो कर रही हो, बिना कुछ देखे बिना कुछ जाने क्या सच है क्या झूठ है इल्जाम लगा दिया तुमने। रेहान मुझे तो समझ नहीं आता तुम अमल को लेकर इतना इमोशनल क्यों हो जाते हो। आंटी इसका यूनिवर्सिटी में भी यही हाल है। तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? ना तो तुम अमल के वकील हो, ना तुम अमल के मुखालिफ हो। वैसे भी हमारा अमल से क्या लेना देना? अभी आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे गलत बात पसंद नहीं है। रेहान मैंने कौन सी गलत बात की है? जो सच है वो ही बताया आंटी को। मिनाइल सच और झूठ का फैसला करने वाली तुम होती कौन? तुम जानती भी हो तुम किस तरह बदतमीजी से बात कर रही हो शफाक अंकल के लिए। रेहान क्या हो गया बेटा तुम्हें?
हराए मेहमान के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है? अम्मी प्लीज आप बीच में मत आइए। तुमसे मैं कल बात करूंगा यूनिवर्सिटी में, अभी तुम जाओ यहाँ से। देखो बेटा, तुम्हारा तो दोस्त है ना, इसकी बातों का बुरा मत मानना। नहीं आंटी, वो ना मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं जाती हूँ। सब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ सुनिया, कुछ भी नहीं हुआ। तुम कैसी हो? बच्चे कैसे हैं? हालत हो गई आपकी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बताओ बच्चे कैसे हैं? परेशान है। ये कैसे हो गया सब कुछ? मैंने कुछ नहीं किया अनमोल, आप मेरा यकीन कीजिए। मुझे फंसाया गया उस बात की सजा काटा जो मैंने की नहीं। अगर ऐसी बात है तो फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्दी रिहा हो जाओ। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ भी करके आपको हम यहां से रिहा करवा लेंगे। ना सुनिया, प्लीज। तुम जानती हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम तो मेरी हिम्मत हो, मेरी ताकत हो। तुम ऐसा करोगी तो मेरा क्या बनेगा? मेरी हिम्मत टूट जाएगी। अच्छा हम लोग बाहर खड़े, तुम अशफाक भाई से बात कर लो, ठीक है? अनवर भाई चले। ठीक है, हम चलते हैं। अशफाक भाई, सदाकत, मेरी सोनिया का ख्याल रखिएगा, मेरे बच्चों का भी। इन्होंने जिंदगी में कभी भी कोई दुख नहीं देगा, इस दुख में इन्हें अकेला मत छोड़िएगा, प्लीज। तुम फिक्र मत करो अशफाक, सदाकत और मैं पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। चलें बाहर। सोनिया, मेरे बच्चों से जाके कहना उनका बाप बेकसूर है, गुनाहगार बाप के बच्चे नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। प्लीज उनसे कहना कि शर्मिंदा मत हो, उनका बाप बेगुनाह है, बेकसूर है। मुझे आप पे भरोसा है। सोनो तो बिल्कुल परेशान मत हो, इंशाल्लाह कोर्ट अशफाक की जमानत जरूर दे देगा। अच्छा बेटा, अब तुम्हारी फूफो घर जा रही है,
तुम अपनी मामा का, अपने भाई का बहुत ख्याल रखना, अच्छा? ठीक पापा। और सोनो तुम भी अपना ख्याल रखना, कुछ खा पी लेना वरना बहुत कमजोरी हो जाएगी तुम्हें। मैं इंशाल्लाह कल सुबह आऊंगी। जी आप, मेरी फिक्र मत कर। क्यों ना फिक्र करूं, मुझे तो सबकी फिक्र है यहाँ। ये मेरे इकलौते भाई का घर है और बहनें हमेशा भाई का घर आबादी देखना चाहती हैं। और देखो तुम अकेली नहीं हो, हम सब भी फिक्रमंद हैं। चलें। चल बेटा, ख्याल रखिएगा। बैठी रहो सोनू, ना ख्याल रखना, अच्छा? आए। चाहिए मैं बर्तन खुद ले आऊंगी। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मामा प्लीज खाना खा ले। ना बेटा, भूख नहीं है मुझे। तुम दोनों खा लो ना। इस तरह भूखा रह के आप खुद को बीमार कर देंगे मामा। प्लीज एक नवाला ले लें। हाँ बेटा, अभी आप ही। क्या पापा ने खाना खाया होगा? पुलिस वाले उन्हें खाना देते हैं। हाँ बेटा, आपके पापा ने खाना खा लिया होगा। तुम लोग खाना नहीं खाओगे तो बहुत खफा होंगे वो। चलो खाना खाओ, मैं खिलाती हूँ, लाओ। शर्मिला बेटा, एक नवाना मेरी खातिर। मैंने अपनी बहुत कोशिश की, पूरी कोशिश की, मगर जमानत ना हो सकी। बट डोंट यू वरी, हम फिर से कोशिश करेंगे।
नहीं सुनी, अल्लाह बेहतर करेगा। कोशिश कर तो रहे हैं, जमानत नहीं मिली तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग हार गए हैं। अगली पेशी होगी ना, उसमें फिर अपील करेंगे। ओके राफे, राफे मेरे भाई, दरवाजा खोलो। राफे क्या हुआ है? अमन, राफे ने स्कूल से आके खुद को कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा नहीं खोल रहा। राफे, 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 राफे बेटा दरवाजा खोलो। सुनो, किसी से चाबी मंगवाओ कमरे की, बुलाओ किसी को। बरकत, बरकत यहाँ आओ। जी बाजी। राफेल ने अंदर खुद को बंद कर लिया है, इसकी चाबी। जी देखता हूँ मैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। राफे, राफे क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? रफे ये क्या किया तुमने? हम सबकी तो जान ही निकाल दी थी तुमने। दोबारा ऐसा मत करना रफे। क्यों किया ऐसा? मामा मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल में सब मेरे पापा के बारे में अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। सब कहते हैं कि वो चोर था। बेटा आपके पापा ने कुछ नहीं किया, मैं फंसाया गया था। आपको ट्रस्ट है ना अपने पापा पे? मामा हमारे पापा वापस आएंगे। हाँ बेटा, आपके पापा जरूर वापस आएंगे, सब पहले जैसा होगा इंशाल्लाह। मामा मुझे पापा से मिलना है। बेटा अपने पापा को कभी गलत मत समझना, ये सब कुछ जो हो रहा है ना सब झूठ है। राफे दुनिया कुछ भी कहे, हम जानते हैं कि हमारे पापा कभी गलत नहीं हो सकते। कैसे करते ये छुपाऊं कैसे?
डियर, कैसी हो? वो तुम्हारा फैमिली का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ? कैसे दोस्त हो तुम शासन? कितने दिन हो गए, तुमने तो एक कॉल तक नहीं की, ये भी मालूम नहीं किया कि मैं ठीक हूँ। सॉरी यार, एक्चुअली मैं लास्ट डे से कुछ ज्यादा ही बिजी था, और बिलीव मी मैंने सोचा था कि यहाँ से फ्री होके तुम्हें जरूर कॉल करूँगा। एनीवेज मुझे ये बताओ कि तुम्हारे फादर के मैटर पे कोई ब्रेक थ्रू हुआ? नहीं, सब पापा की बेल के लिए कोशिशें कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी जमानत मंजूर नहीं हुई। शाज़म, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज? फेवर? व्हाट काइंड ऑफ फेवर? हमें, तुम जानती तो हो कि मैं, मेरी कंडीशन क्या है, कैन नॉट हेल्प यू आउट। शाज़म, तुमने बताया था ना कि तुम्हारे ताया अबू बहुत सीनियर वकील हैं, तुम प्लीज उनसे बात करो। देखो, अगर वो मेरे पापा के केस को देखेंगे ना तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे पापा बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगे। प्लीज। अरे यार, एक्चुअली वो अपनी फैमिली के साथ बाहर गए हैं, ऑस्ट्रेलिया। वो यहाँ पर नहीं है और मुझे पता भी नहीं कि वो कब वापस आएंगे। आई कैन नॉट हेल्प यू आउट, आई एम सॉरी। इट्स ओके। अच्छा चलो, अब मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, मुझे चलना होगा। मैं फ्री होके तुम्हें कॉल करता हूँ ना। ओके बेबी, टेक केयर, बाय। क्या बना मेरी जमानत का? कुछ हुआ? टेक इट इजी शाह साहब, कुछ हो इसलिए तो मैं यहाँ पे आया। देखिए शाह साहब, हम कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जमानत हो जाए मगर ऐसा हो नहीं पा रहा, तो जानते हैं क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने आप पे इल्जाम लगाया है मनी लॉन्ड्रिंग का, फ्रॉड का और गबन का, वो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि आपने यतीम बच्चों का माल खाया है, बेवा औरतों का माल गबन किया है और इसके साथ साथ आपकी गाड़ी से पैसे भी बरामद हुए हैं, और आप पे ये केस भी चलाएंगे वो कि आपने इतनी जायदाद कैसे बना ली। सारे सबूत आपके खिलाफ, कोई भी गवाह आपके हक में खड़ा नहीं होने वाला। के साथ ही तीन बंदों ने कन्फेस किया है कि वो लगातार आपको पैसे निकाल के दे। झूठ है, झूठ, सब झूठ है, सब कुछ चालसाज़ी से किया है उन्होंने, वो लोग धोखे से मुझसे साइन करवाते रहे और मुझे पता ही नहीं चला। माचबीन और उसके डिपार्टमेंट के लोगों से जाके पूछिए, आपको सच पता लग जाएगा। अशफाक साहब, कोर्ट सबूतों और गवाहों की बिना पे चलते हैं, ना कि जबानी कलामी। अब आप बच नहीं सकते। Let me clear one thing. किसके वकील हो तुम? उनके या मेरे? मैं तो किस्मत का वकील हूँ। जिसकी किस्मत अच्छी मैं उसके साथ हूँ, और इस वक्त उनकी किस्मत अच्छी चल रही है। आपके हक में यही बेहतर है कि आप कन्फेस कर लें कि 80 करोड़ का गबन आपने किया है। ज़मीर बेच दिया है तुमने अपना। मरा हुआ ज़मीर कोई नहीं खरीदता। आप भी अपना ज़मीर मार दें। मेरा मतलब है कि सारा जुर्म कबूल कर लें अदालत में कि सब कुछ आपने किया है, उसके बदले में आपका बैंक बैलेंस भी सेफ, आपके बच्चे भी सेफ। क्या कह रहे हो तुम?
मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसकी कन्फेस क्यों क्यों कबूल करूं मैं क्यों? मेरा जमीर मुतमईन है, मेरे जमीर पे कोई बोझ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगा? नहीं, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। सोच लीजिए, मैं आपको आज की रात देता हूं, तहमुल से, आराम से, मैं कल फिर आऊंगा। मेरा फैसला तब भी यही होगा। जाओ, जाके कह दो अपने उन ताकतवर पहुंचे हुए लोगों से, जो बस में आता है निकल जाए। अगर कोई मेरा साथ नहीं है ना, तो मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरी मदद करेगा, वो सही फैसला करेगा मेरे लिए, ना तुम ना वो पहुंचे हुए लोग और ना ही अदालत, वो फैसला करेगा। जा, जा जाके कह दो मैं उनकी बातों में कभी नहीं आऊंगा, मैं ये गुनाह कभी अपने सर सर नहीं लूंगा जो मैंने किया नहीं, नहीं कभी नहीं। मेरे भाई, क्यों बिना वजह फिल्मी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? अपनी जान भी बचाओ, अपनी फैमिली वालों को भी, जान से मार देंगे वो उन्हें। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, उन्होंने धमकी भेजी है कि अगर तुमने उनका कहना ना माना तो वो तुम्हारी बीवी बच्चों की जान ले लेंगे। जो पैसों के लिए यहाँ तक आ सकते हैं तो सोचो वो अपनी जान बचाने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। पैसा तुम्हारे हाथ में है, या तो अपनी ईमानदारी बचा लो या अपनी बीवी बच्चों को। Thank you.